हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार कई सारी महिलाओं को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है कि प्रेगनेंसी प्लान तो कर रही हैं, लेकिन अगर आप सही दिनों में प्रेगनेंसी के लिए संबंध नहीं बनाती हैं तो प्रेगनेंसी रुकना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। महीने में कुछ पल ही ऐसे होते हैं, कुछ दिन ही ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होते हैं। आज मैं उन्हीं दिनों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ और आपको काफ़ी क्लियरली ये समझाने की कोशिश करूँगी कि महीने में किन दिनों में आपको संबंध जरूर बनाने चाहिए और इन दिनों को कभी भी आपको बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यही वो पल होते हैं, यही वो समय होता है जब 99.9% आपके कंसीव होने के बहुत हाईली चांस होते हैं। यूं तो फ्रेंड्स, रिसर्चेस ये बताते हैं कि अगर आपकी एक हेल्दी पीरियड साइकिल है जो कि कॉमनली 28 से 32 दिन की होती है, ऐसे पीरियड साइकिल में महिलाएं बहुत ज़्यादा संभवतः हमेशा वक्त पे ही अपने शरीर से अंडे को खारिज करती हैं, यानी ओवुलेट करती हैं। अब ये ओवुलेशन क्या होता है? प्रेगनेंसी की जर्नी को कंप्लीट करने से पहले आपको ओवुलेशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब आपके पीरियड्स आते हैं उसके दूसरे दिन से ही महिला के शरीर के अंदर उनके गर्भाशय के अंदर दो अंडाशय होते हैं और इनमें महीने के हर एक महीने में एक स्वस्थ अंडे का निर्माण होता है और वो पीरियड्स के दूसरे दिन से ही इसका कार्य शुरू हो जाता है। लगभग 12 से 13 दिन इस पूरे कारण के संपूर्ण होने में समय आपके शरीर को लगाना पड़ता है और ऐसे सिचुएशन में जब आप ओवुलेट करती हैं 13वें या 14वें दिन एक स्वस्थ अंडा आपके अंडाशय से निकलता है तो आपका शरीर कुछ महत्वपूर्ण संकेत देता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण संकेत होता है फ्रेंड्स, वाइट डिस्चार्ज जाना। अमूमन डिस्चार्ज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है हर एक महिला की बॉडी का, क्योंकि आपका डिस्चार्ज जो है वो आपके शरीर के अंदर ओवुलेशन होता है या नहीं, या फिर आपका गर्भाशय स्वस्थ है या नहीं, इसकी जानकारी देता है। आपके गर्भाशय को शुद्ध रखने का काम, प्योरिफिकेशन का काम भी ये डिस्चार्ज करता है, इसलिए डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है। महिलाएं इस डिस्चार्ज को काफ़ी मेजरली महसूस कर सकती हैं महीने के किसी भी दिनों में, लेकिन बात करूं ओवुलेशन की तो ये 14वें दिन से 18वें दिन के बीच में आपको फील होता है। ये डिस्चार्ज दिखने में बहुत पारदर्शी होता है, इसमें कोई रंग और कोई गंध नहीं होता है और ये एक तरह से च्युइंगम के जैसा स्ट्रेच करता है, जैसे अंडे के सफ़ेद भाग होती हैं बिल्कुल उसी प्रकार का। तब आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपको रिलेशन में रहना है और आपको इस वक्त में प्रेगनेंसी कंसीव होने के बहुत हाईली चांस हैं। जब ये डिस्चार्ज महिला के शरीर से होता है तो यूं तो आपके शरीर के अंदर कुछ हॉर्मोन्स भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। डिस्चार्ज होने के साथ ही साथ आपकी लिबिडो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। फ्रेंड्स, महिलाओं को स्वयं काफ़ी ज़्यादा अंदर से ही क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है संबंध में रहने की। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ हॉर्मोन्स परिवर्तन की वजह से भी महिलाओं को ओवुलेशन के वक्त में पेट के निचले हिस्सों में दर्द की समस्या हो सकती है। ये दर्द काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है और बहुत ज़्यादा कम होता है, इसका एहसास भी आपको कम और माइल्ड सा ही फील होता है। ये दर्द या तो दाएँ या फिर बाएँ तरफ भी महसूस हो सकता है या पेट के निचले पूरे हिस्से में महसूस किया जा सकता है। ये दर्द कुछ घंटे या एक दो दिन के लिए रह सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ओवुलेशन के वक्त में कुछ महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम भी आती है कि आपको हेडेक सा, सर में भारीपन सा महसूस होने लगता है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपका पेट भारी सा आपको फील हो सकता है, एक टिंगलिंग और खिंचाव जैसे फीलिंग भी इस समय महसूस बहुत ट्रांसपेरेंटली आप कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपके शरीर के अंदर ओवुलेशन होता है उस वक्त में आपके शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहता है, तो अगर आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को नोट डाउन करें पीरियड्स डे वन से ही, तो 14वें दिन लगभग आप देखेंगे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर सामान्य बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम हो गया है और वो वक्त ओवुलेशन का होता है। तो इन तरीकों से, इन मेथड से अपने बेस्ट डे को आप जान सकती हैं, कैलकुलेट कर सकती हैं, सिम्टम्स को पहचान कर प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं और ट्राई कर सकती हैं और 100% आपको प्रेगनेंसी जरूर रुकेगी अगर आपके शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली बार फिर से मिलूंगी, थैंक यू।